हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिवेट विद रुमा। आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सीरीज का थर्ड वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको 36 टू 45 एज के ग्रुप के लिए सप्लीमेंट्स आपको लगने चाहिए वो बताती हूँ। साथ ही साथ स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या आपको चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो जैसे आप 36 क्रॉस करते हो, धीरे धीरे आपके आई साइट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो इस समय हमें क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए? वैसे तो सप्लीमेंट्स जो है हमारा स्प्यूरिलिना काम करेगा, सी बकथर्न काम करेगा, मेटामाइन काम करेगा और स्प्यूरिलिना आमला एलोवेरा कैल्शियम तो है ही, ये जरूर। और इसके साथ साथ आपको कर्क्यूमिन ऐड करना है और आई सपोर्ट जरूर लेना है, क्योंकि आई सपोर्ट इस वक्त हम कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। हमारा स्किन, हमारा नेल हेयर बहुत सारा इफेक्ट कर रहा है इसी वेब की वजह से, इस मतलब इंटरनेट की वजह से। लेकिन हम इससे अछूता तो रह नहीं सकते, हमें चाहिए ही चाहिए है। तो आप जरूर आप स्किन, हेयर, नेल जो सप्लीमेंट्स है वो भी यूज कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो हेयर फॉलिंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है, नेल जो धीरे धीरे ड्राई होता जाता है, टूट रहा है, भंगूर हो रहा है, तो आप हेयर, स्किन, नेल आप जरूर लीजिए, सी बकथर्न लीजिए, मेटामाइन लीजिए और स्पिरुलिना फ्लेक्सन, ये तो चलेगा ही। जैसा आगे के वीडियो आपने देखा होगा तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि एज ग्रुप के हिसाब से आपको क्या क्या सप्लीमेंटेशन करना है रेगुलर, और साथ ही साथ स्किन केयर। जैसे आपकी स्किन का एज बढ़ रहा है तो आपको स्किन केयर का प्रोडक्ट में भी आपको चेंजेस लाना होगा। वैसे रेगुलर आप एक अच्छा सा प्रीमियम रेंज का जो फेस वॉश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया डीप क्लींजिंग ऑयल से आप अपना स्किन वॉश कीजिएगा। जस्ट आपके फेस को आप वॉश करने के बाद डीप क्लींजिंग ऑयल का 2-3 ड्रॉप लीजिएगा, लेने के बाद आप अच्छे स्किन में मसाज करने के बाद उसे वॉश आउट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लींजर टोनर जस्ट हाथ में लेके अपने स्किन को थोड़ा सा भिगो के जस्ट हल्के हाथों से मसाज करके जस्ट उसे वाइप अप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ब्राइटनिंग क्रीम लगाना है, हाइड्रेशन के बदले आप ले आइए ब्राइटनिंग क्रीम को, रेगुलर 2 बार आप अपने स्किन को ब्राइटनिंग क्रीम से आपका स्किन को ट्रीटमेंट कीजिए। तो इससे आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, आपका स्किन जो है ड्राई नहीं होगा और आपका स्किन का जो टोन है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, ठीक है। यही सिस्टम आपको रात में भी करना है, रात में भी आपकी स्किन को आप फर्स्टली डीप क्लींजिंग ऑयल से आपको क्लीन करना है, उसके बाद क्लींजर टोनर देना है, उसके बाद आपको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट करना है, करने के बाद थोड़ा सा नाइट क्रीम लगा के जस्ट आपको सो जाना है। तो कोशिश कीजिएगा इस वक्त आप मोबाइल यूज ना करें, मोबाइल यूज करने से आज से कोई जो ट्रीटमेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है वो काम नहीं करता है। तो जरूर ख्याल रखिएगा, जब आप बिस्तर पे जा रहे हो तभी जाके आप ये सब सारे क्रीम सप्लाई कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।